इटावा से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां 10 साल के मासूम का शव फांसी पर लटका मिला। बच्चे के पिता ने अपने बड़े भाई पर हत्या की आशंका जताई है। उनका कहना है कि कुछ साल पहले बड़े भाई के इकलौते बेटे ने सुसाइड कर लिया था। वह मेरे छोटे बेटे को गोद लेना चाहते थे, लेकिन हमने मना कर दिया। मुझे उन्हीं पर हत्या का शक है। मामला जसवंत नगर क्षेत्र के केवाला गाँव का है। यहाँ रहने वाले रणवीर सिंह पेशे से किसान है। शुक्रवार दोपहर उनका छोटा बेटा यश कुमार उर्फ शिवा यादव किसी काम से घर से बाहर गया था। काफी देर तक वह नहीं लौटा तो परिजनों ने खोजबीन शुरू की। इसी दौरान गांव के मनोज कुमार ने यश का शव पेड़ पर लटके होने की सूचना दी। परिजन और गांव के अन्य लोग मौके पर पहुंचे। सभी ने यश को नीचे उतारा, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। मामले की सूचना प्रभारी निरीक्षक रण बहादुर को दी गई। वह फॉरेंसिक टीम और फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। जांच पड़ताल के बाद शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का कारण स्पष्ट हो सकेगा। उधर मासूम की मौत से मां रूबी देवी व पिता रणवीर का रो रो कर बुरा हाल है। ग्रामीणों ने बताया कि यश जूनियर विद्यालय में कक्षा 7 का छात्र था। एक बड़ा भाई आशीष कुमार है। पिता बोला, बेटे से कहा था सोना नहीं, ट्यूशन चले जाना। कई लोगों से बड़ी बड़ी दुश्मनी है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि यश को गोद लेने को लेकर उसके पिता और ताऊ में कई बार विवाद हो चुका है। राजवाटिका विवाह घर सर्व सुविधा युक्त प्राकृतिक सुंदरता से ओत प्रोत। राजवाटिका विवाह घर में एंगेजमेंट, तिलक, शादी, रिसेप्शन, वेडिंग शूट, जन्मदिन पार्टी, जन्माष्टमी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए विवाह घर उपलब्ध। अपने मांगलिक कार्यक्रमों को यादगार बनाएं शहर के मध्य वातानुकूलित राजवाटिका मैरिज गार्डन के साथ। हमारा पता है राजवाटिका मैरिज गार्डन, नेशनल हाईवे, जूला मोड़, भुंडहा, रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9827004251।